हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता, जिसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से हम आज इसे कम से कम तेल में बनाएंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होने वाला है, क्योंकि हमने इसमें खूब सारी वेजेस का भी यूज़ किया है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रेसिपी। और अगर रेसिपी अच्छी लगेगी तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देख लेते हैं हमारी आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को। देखने में ये कितनी अच्छी लग रही है, और ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली है ये, और ये इतनी टेस्टी लगती है कि जिसे भी खिलाओगे वो आपकी तारीफ़ करता नहीं थकेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, उसके अंदर मैं ये 4 ब्रेड की स्लाइस हैं जिन्हें मैं तोड़ के डाल दूंगी। रफली तोड़ लेना है हमें इन्हें। ध्यान रखिएगा, फ्रेश ब्रेड का यूज़ कीजिएगा, बासी ब्रेड का वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो चलिए अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे मिल्क। मिल्क ये रूम टेम्परेचर का मिल्क है, ना ठंडा ना गर्म। 2 चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हल्के से मॉइस्चर के लिए मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है। तो चलिए अब इसके अंदर ऐड कर लेंगे बॉयल्ड पोटैटोज़। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जी मैंने बॉयल करके मैश कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज। प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया है, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर। गाजर भी मैंने आधी ली थी, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। स्वीट कॉर्न्स भी आधा बाउल लिए हैं मैंने, और इन्हें बॉयल कर लिया था पहले से। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया खूब सारा, और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी मैंने आधी ली है, जिसे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था मैंने। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, जो आप रखिएगा स्वाद के अनुसार। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे हम इसमें 1 टीस्पून, और चाट मसाला भी जाएगा इसमें 1 टीस्पून, थोड़े से चटपटे से फ्लेवर के लिए। चाट मसाला ना हो यहाँ पे तो आप यहाँ पे आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिर्च भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, अगर ज़्यादा खाने के शौकीन हो तो ज़्यादा मिर्च ऐड कर सकते हो। देखिए इसका हमने एक डो सा तैयार कर देना है। देख लीजिएगा, थोड़ी बाइंडिंग होनी चाहिए। बाइंडिंग इसमें हल्की कम लग रही थी, तो मैंने इसमें 2 ब्रेड के पीसेज और ऐड कर दिए थे। तो चलिए अब मैंने एक थाली ले ली है, उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि हमने इसके ऊपर ही जो हमारा मटेरियल तैयार किया है आलू का, वो इसके ऊपर ही हम सेट करेंगे। देखिए ये जो आलू का मटेरियल है वो हम इसके अंदर फैला लेंगे अच्छे से स्पैचुला की मदद से। आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही होगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए इस तरीके से हमने इसे चौकोर शेप में फैला लिया है अच्छे से। शेप्स आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। मैं आज इस तरह की शेप बना रही हूँ, बाकी मैं आपको एक और शेप बनाना भी बताऊँगी। देखिए अच्छे से प्लेन करने के बाद अब हम इसे चाकू की सहायता से कट कर लेंगे जिस भी शेप में हम चाहते हैं। मैं आज इस शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे ट्रायंगल शेप में भी रख सकते हो, या तो आप चाहो तो इसे गोल गोल कटलेट के रूप में भी आप बना सकते हो। और हम तो इसे आज कम ऑयल में बनाने वाले हैं। अगर आप ज़्यादा ऑयल में या डीप फ्राई पसंद करते हो तो आप इसे बॉल्स की शेप में भी बना सकते हो। ये बॉल्स की शेप में भी बहुत अच्छे बनेंगे। सब्जियां भी आप इसमें अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हो। और अगर आपके पास इनमें से कोई वेजेस नहीं भी है तो आप उसे स्किप कर सकते हो। सिर्फ ब्रेड और आलू से भी ये नाश्ता बहुत अच्छा बन जाएगा, पर यह है कि मिक्स वेजेस करने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने जो इसमें वाइट ब्रेड का यूज़ किया है, अगर आप इसे और हेल्दी बनाना चाहते हो तो आप इसे ब्राउन ब्रेड में भी बना सकते हो। ये देखिए मैं आपको पीस बता देती हूँ, शेप बता देती हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा हाथों की सहायता से अच्छे से सेट कर लेंगे। चलिए एक और शेप बना के दिखाती हूँ। अगर इस तरह की से नहीं हो पाएगा आपसे तो इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेके उसे या तो इस तरह से कटलेट बना लीजिएगा, या इस तरीके से चौकोर शेप दे लीजिएगा। ये मेरी फेवरेट शेप है एक्चुअली, तो मुझे इस शेप में स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं ये ज़्यादातर ट्राई करती हूँ। तो चलिए अब हम इसे लेस ऑयल में बना रहे हैं, तो हल्का सा रिफाइंड ऑयल मैंने इसमें डाला है। आप यहाँ पे देसी घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हो।
ये नॉनस्टिक पैन है, अगर आपके पास दूसरा तवा है तो ये उसमें भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। इसमें मैं 4 पीसेस लगा रही हूँ क्योंकि मैं बाकी के एयर फ्रायर में बनाने वाली हूँ। एयर फ्रायर में भी ये बहुत अच्छे बनते हैं, चारों तरफ से क्रिस्पी हो जाते हैं और ऑयल भी बहुत कम लगता है। वैसे तो इस तरीके से भी ऑयल बहुत कम लगता है। आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो अगर आप डीप फ्राई खाना पसंद करते हो। ये देखिए, इस तरीके से पलट पलट के हम इसके चारों तरफ से इसको सेक लेंगे हल्का सा कलर आने तक। है ना कितनी आसान सी रेसिपी, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे ग्रीन चटनी के साथ या केचप के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। सबके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। ये परफेक्ट इवनिंग स्नैक है जिसे आप फटाफट से बना के रेडी कर सकते हैं। आलू तो उबले हुए सबके घरों में पड़े होते हैं, बस उसे निकालिए, ब्रेड के साथ मैश कीजिए और कुछ वेजेस डालिए अपने अकॉर्डिंग। मसाले भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किए हैं हमने, पर फिर भी इसका फ्लेवर इतना अच्छा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए चारों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं, एयर फ्रायर में तो ये और भी अच्छे से सिकते हैं। अगर आपके एयर फ्रायर है आपके पास तो आप इसे एयर फ्रायर में ज़रूर बना के खाइएगा। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।